तो बच्चों इंटीग्रेशन के बारे में अभी आपका ये पहला लेक्चर है और समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है। इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, इट इज इनवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन, इनवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव जैसे आपने कहा कि भाई एक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, log x को डिफरेंशिएट किया तो क्या आया था, 1/x आया था। तो ये एक प्रोसेस को इसको टेक दिस एज एन ऑपरेटर, तो डेरिवेट डिफरेंशिएट किया तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x आया। एंटी डेरिवेटिव मतलब अगर आप 1/x को इंटीग्रेट करोगे तो कहां पहुंच जाओगे, log x में जाएगा। 1/x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, log x। हाउ टू राइट इट, इसको लिखते कैसे, इंटीग्रल का साइन है ये, इंटीग्रल ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x, यहां ऐसे लिखना है। यदि ये विद रिस्पेक्ट टू x यहां लिखते ना डिफरेंशिएशन, dy dx का मतलब डेरिवेटिव ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x, वहां इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आएगा log x। अब एक और बात ध्यान देना, log सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी का डिफाइन है, तो लॉग के बाद जब भी कोई भी क्वांटिटी होगी उसमें मॉडुलस जरूर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये टू मेक श्योर दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अच्छा अब जैसे देखो आपने कहा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है भाई, कॉस एक्स होता है। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला पता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, मतलब कॉस एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, इनवर्स प्रोसीजर। तो अगर आपने sin x को डिफरेंशिएट किया तो cos x आया, तो cos x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, sin x आ जाएगा। तो लिखोगे कैसे इसको, इंटीग्रल ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू sin, ठीक है। अच्छा एक और बात यहां बताना है, sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x है, तो cos x का इंटीग्रल क्या आ गया, sin x आ गया। एक और पॉइंट बताओ भाई, sin x + 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, sin x + 3 को भी डिफरेंशिएट करोगे तो sin x का cos x आएगा, 3 का तो 0 हो जाएगा, cos x ही आएगा। तो अगर sin x + 3 का डेरिवेटिव cos x है तो cos x का इंटीग्रल क्या आएगा, sin x + 3 आएगा। cos x का इंटीग्रल क्या आएगा, cos x का इंटीग्रल आएगा sin x + 3। और एक बात नोट करो, यहां 3 की जगह में 5 होता, 7 होता, 10 होता तभी वो cos x आता, कुछ भी नहीं होता तो भी cos x आता। मतलब ये हुआ कि जो cos x का इंटीग्रल है वो sin x भी है, cos x का इंटीग्रल sin x + 3 भी है, cos x का इंटीग्रल sin x + 10 भी है, cos x का इंटीग्रेशन sin x + 100 भी है। मतलब ये जितने भी इंटीग्रल्स हैं, जो इंटीग्रल की वैल्यू आ रही है cos x की, वो कांस्टेंट नहीं है, दे आर नॉट डेफिनेट क्वांटिटी, दिस इज नॉट अ डेफिनेट क्वांटिटी। sin x भी है, sin x + 3 भी हो सकता है, sin x + 7 भी हो सकता है। तो हम लोग इसको बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, बिकॉज इंटीग्रल इज नॉट अ डेफिनेट क्वांटिटी, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। और हम लोग जो जनरल आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस अ कॉन्स्टेंट, वेयर सी इज कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी कैन बी एनी रियल नंबर, सी की जगह में कुछ भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था, 100 भी हो सकता था। तो जब कभी भी हम इंटीग्रल लिखेंगे तो फाइनल आंसर में प्लस सी ऐड करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये cos x ही आएगा। सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, दैट गॉट इट। तो फाइनल आंसर में हम क्या लिखते हैं, प्लस अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी को बोलते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे 1/x का इंटीग्रल लिखोगे क्या लिखोगे, log x + c, ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रल, इसमें एक डेफिनेट क्वांटिटी नहीं मिलती। तो अब जितना भी आप लोगों ने डिफरेंशिएशन के फार्मूला में पढ़ रखा है उन सब से हम इंटीग्रल के फार्मूला लिख देंगे, ठीक है ना। पहले तो इंटीग्रेशन के फार्मूला कुछ लिखेंगे, जैसे आपने लिखा भाई डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल हो जाएगा tan x प्लस a कांस्टेंट, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल मिल गया भाई। अच्छा dy dx ऑफ e^x क्या होता है, e^x होता है, तो e^x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e^x का इंटीग्रल हो जाएगा e^x प्लस a
तो जो भी फॉर्मूला आपने डिफरेंशिएशन को पढ़ रखा है, जैसे डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स एक्स क्या पढ़ रखा है, डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स एक्स पढ़ रखा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो गया, तो जो डेरिवेटिव से आपको फॉर्मूला मिलेगा वो तो आपको लिखा दिया है, वो सारा खुद लिख सकते हो आपकी बुक में, एनसीईआरटी में एक पेज में सारे फॉर्मूला वैसे डिफरेंशिएशन से कंपेयर करके डिफरेंशिएशन से ही रिजल्ट निकाले गए हैं, वो पेज आपको बता देता हूँ, आपको पढ़ना है। पेज नंबर 290 देखो, 290 में एक तरफ डेरिवेटिव लिखा है और एक तरफ एंटी डेरिवेटिव लिखा है, एक तरफ डेरिवेटिव लिखा है फंक्शन का और उसके साथ में क्या लिखा है एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल, ये तो सारे आपको याद ही कर लेना है एंटी डेरिवेटिव, और ये याद हो जाएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन के रिजल्ट आपको पता होंगे, जैसे सेकेंड एक्स का इंटीग्रल, सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स क्या होता है भाई, इस तरीके से देखो क्या है कि ये प्रैक्टिस की बात मैं क्यों कर रहा था, फॉर्मूला ऐसे थोड़ा याद हो जाता है, जब आप अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करोगे और फॉर्मूला देखना बंद करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करते समय फॉर्मूला नहीं देखा जाता, रिकॉल करना शुरू करो तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, ठीक बात है भाई। अब हम स्टार्ट करते हैं सिस्टमैटिक इंटीग्रल, ये तो पहले आपको मैंने बताया कनेक्ट करके बताया कि डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन, कौन सा बेटा, अभी मैं बता रहा हूं। अब भाई देखो फर्स्ट फॉर्मूला हम यहां से बताएंगे इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर एन का, जैसे डिफरेंशिएशन बताया गया था ना, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू दी पावर एन बताया गया था, तो यहां पर आपको बताना है इंटीग्रल ऑफ एक्स टू दी पावर एन, इंटीग्रल ऑफ एक्स टू दी पावर एन होता है बच्चों एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस अ कॉन्स्टेंट, और ध्यान से सुनो यहां पर एन की जगह में कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट एक्सेप्ट माइनस वन, माइनस वन नहीं हो सकता भाई, एन की जगह में अगर माइनस वन हो जाएगा ना तो ये माइनस वन प्लस वन डिनोमिनेटर में जीरो होता है, तो माइनस वन के लिए फॉर्मूला ट्रू नहीं है, अदर देन माइनस वन ऑल रियल नंबर्स के लिए इट इज ट्रू है, एन क्या नहीं हो सकता, एन कैन नॉट बी माइनस वन, माइनस वन के लिए फॉर्मूला ट्रू नहीं है, ठीक है। अब सुनो भाई बच्चों, अगर मैं एन की जगह में माइनस वन रख देता तो ये एक्स की पावर माइनस वन हो जाता वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स का स्पेशली फॉर्मूला बताया गया, वन अपॉन एक्स का भी क्या बताया लॉग एक्स, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है लॉग एक्स, ठीक बात है भाई। अच्छा एन की जगह में माइनस वन हो जाएगा तो ये तो वन अपॉन एक्स हो जाएगा, वन अपॉन एक्स का तो हमें ऑलरेडी अलग से पता है, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है भाई, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग एक्स, और लॉग के बाद मॉडुलस लिखना है, ठीक है लॉग मॉड एक्स लिखना। अच्छा और अगर एन की जगह में माइनस वन के अलावा कुछ भी है, जैसे किसी ने कहा भाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल बताओ, यहाँ पावर बढ़ती है इंक्रीज होती है, वहां पावर क्या होती थी डिक्रीज होती थी डिफरेंशिएशन, यहाँ पावर इंक्रीज होती है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल लिखना है तो क्या होगा भाई, पावर एक इंक्रीज करो एक्स क्यूब, जो भी पावर है ना उसी से डिवाइड कर दो प्लस वन, देखो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रल क्या है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, जैसे भाई बोलना एक्स क्यूब का इंटीग्रल बोलो भाई क्रिस्टी, गुड। अगर किसी ने कहा वन का इंटीग्रल, वन है इंटीग्रल ऑफ वन, वन का मतलब हुआ एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो में भी तो फॉर्मूला वैलिड है, तो एक्स की पावर जीरो का इंटीग्रल क्या हो जाएगा भाई, एक्स की पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस अ कॉन्स्टेंट, एक्स की पावर वन एक्स ही हो गया, तो ये क्या आ गया एक्स आ गया, आप इसको समझो इंटीग्रल ऑफ डी एक्स है बेसिकली, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, वन तो वन इंटू डी एक्स लिखो या इंटीग्रल ऑफ डी एक्स लिखो, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स कितना आया x आया, इंटीग्रल ऑफ dx आया x और प्लस कांस्टेंट, आप ऐसे समझ लो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इनवर्स है ना, तो ये इसकी वैल्यू इंटीग्रल ऑफ dx क्या आया x आया, और अगर इंटीग्रल ऑफ dt यहीं आएगा तो क्या आएगा t, इंटीग्रल ऑफ dt आएगा तो क्या आएगा थीटा, इंटीग्रल ऑफ du आएगा तो क्या आएगा u, सॉल्व करके भी दिखा दिया मैंने, तो भाई इंटीग्रल ऑफ dx आएगा तो इंटीग्रल ऑफ dx क्या लिखोगे x, अगर कहीं मान लो इंटीग्रल ऑफ 2 dx आया तो
भाई टू कॉन्स्टेंट है, इसमें भी इंटीग्रल के आउटसाइड लिख सकते हो आप टू इंटीग्रल ऑफ डीएस, और इंटीग्रल ऑफ डीएस क्या होता है एक्स, तो ये इंटीग्रल ऑफ टू डीएस क्या हो गया टू एक्स। तो अभी मैंने एक बेसिक फार्मूला बताया है इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर एन। हाँ रूही बोली, पहले ये वाला समझ में आ गया। अच्छा पहले इंटीग्रल ऑफ डीएक्स क्या होता है एक्स, अब इंटीग्रल ऑफ टू डीएक्स है तो कॉन्स्टेंट को इंटीग्रल के आउटसाइड लिख सकता है, तो टू को तो मैंने पहले लिख दिया रूल है, और ये इंटीग्रल ऑफ डीएक्स क्या हो जाएगा एक्स, तो क्या आ जाएगा टू एक्स। ठीक है भाई, इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर एन की बात हो गई। अगर एन की जगह में जैसे रूट एक्स का इंटीग्रल पूछा जाए, इंटीग्रल ऑफ क्या पूछा जाए रूट एक्स, इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स, तो क्या करोगे आप, रूट का मतलब एक्स की पावर हाफ, रूट का मतलब एक्स की पावर हाफ, और यहां पर एक्स की पावर एन का फॉर्मूला यूज करो एक्स टू दी पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन प्लस वन, ये क्या हो गया एक्स की पावर थ्री बाई टू और अपॉन थ्री बाई टू, तो मतलब टू बाई थ्री, डन। ओके भाई यहां तक ठीक है। अब इसके बाद अभी आपको एक फार्मूला की बात बता दी गई है एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, अब बच्चों आपको बताना है कि जैसे आपने कहा कि x की पावर n का इंटीग्रल पता है, अभी तो इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, अभी आप समझ लेना x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होता है, x की जगह में समझना इस बात को, x की जगह में कोई लीनियर फंक्शन हो मतलब ए एक्स प्लस बी हो और उसकी पावर कांस्टेंट हो, x की जगह में अगर कोई लीनियर फंक्शन होता है ना, ओनली लीनियर के लिए बात हो रही है, इन प्लेस ऑफ x इफ देयर इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ x ax + b टू द पावर, तो भी आप ये सेम फार्मूला यूज कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा ax + b की पावर n + 1 अपॉन n + 1 इनटू 1 अपॉन x का जो कोफिशिएंट है या इसका डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है, ये था वहां पर चेन रूल लगता था ना डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर आपका डेरिवेटिव जो भी इसका आएगा उससे डिवाइड कर। ठीक है, इसको मैं प्रूव भी करूंगा अभी। जैसे देखना, किसी ने कहा भाई इंटीग्रल ऑफ 2x + 3 की पावर 7, 2x + 3 की पावर 7, तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा 2x + 3 की पावर 7 का इंटीग्रल क्या होगा 2x + 3 की पावर 8 अपॉन 8 इनटू 1 अपॉन 2, ओनली लीनियर के लिए, क्योंकि अभी मैं इसको प्रूव करके तो बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, अभी तो याद करा दे रहा हूं इसको, और रुकना है आज इंटीग्रल भाई, मोबाइल वोबाइल अंदर ही रखना, 3 घंटे की पढ़ाई है, आधा इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसलिए सुनते रहना और तुम ही लोगों से करवाऊंगा अभी, और फार्मूला भी याद किया जाएगा, आराम से ही पढ़ेंगे। अभी ये जो पढ़ रहे हो ना, अभी कई हर ईच क्वेश्चन में आना है, ईच क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट्स रिवाइज होने, तो जब आप 20 क्वेश्चंस करोगे ना तो तुम्हें याद ही हो जाना, यहाँ ही याद कराया जाएगा, और जिसको याद नहीं होगा उसको रोका जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना दीश जी, तुम बी केयरफुल, क्योंकि तुमको फार्मूला याद करके भेजना, घर के लिए छोड़ना नहीं। ठीक है, अब सुनो भाई, अगर आपने कहा साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कौन बताएगा, माइनस कॉस एक्स होता है, क्योंकि कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ उल्टा होता है, वहां डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या था माइनस साइन एक्स, यहाँ इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस में आता है, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस। चलो अब सुनो, अगर x की जगह में लीनियर फंक्शन ऑफ x आ जाए, हाँ cos x का sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है। अच्छा अब मैं ये यहां पर बताने वाला हूं कि sin x का इंटीग्रेशन आपको आता है माइनस cos x, और अगर sin 2x + 3 का बताना हो तो भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहां पर क्या आएगा माइनस cos 2x + 3 अपॉन क्या, इसका डेरिवेटिव x का कोफिशिएंट 2, लीनियर है ना, तो लीनियर वाले में ही तो ये करते हैं डिवाइड करते हैं इसके कोफिशिएंट से। अभी मैं एक मेथड बताऊंगा बेटा इंटीग्रेशन का, 1/2। अब जैसे किसी ने कहा भाई इंटीग्रेशन, अब
अपॉन किया तो है, डिवाइड करते हैं ना, चेन इसमें डिवाइड करते हैं वहां पर। अच्छा नहीं, यहाँ नहीं लगता, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं लगता। अभी आपको ये इसका प्रूफ बताऊंगा, सुनो अभी तो आप याद कर लेना, अभी इसका प्रूफ करने से इसको सॉल्व करेंगे, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से आएगा, ऐसे नहीं आएगा। जैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अभी, इसका प्रूफ भी है कैसे आया है। साइन थ्री एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे भाई, बच्चों बताओ, विवान, साइन थ्री एक्स का इंटीग्रेशन गुड। अगर आपने कहा e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, और अगर e की पावर 3x का पूछा जाएगा तो सेम रूल, e की पावर 3, e की पावर 3x अपॉन 3। अगर कोई कहेगा e की पावर 2, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट। तो सुनो भाई, आपको अभी क्या बता दिया गया कि जो फॉर्मूला पता है e की पावर x का पता है, अगर x की जगह में लीनियर आ जाएगा ना तो भी हम उसका इंटीग्रल लिख देंगे, सेम इंटीगर डिवाइडेड बाय x का जो कोफिशिएंट है। अब इतना जानते हुए हम पहले 7.1 एक्सरसाइज ट्राई करेंगे। e की पावर x का क्या होता है बेटा, e की पावर x, और अगर x की जगह में लीनियर आ गया, 3x आ गया, 3x प्लस 5 आ गया, तो भी सेम फॉर्मूला आएगा, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। ये तो अभी मैंने तुम्हें लोगों को याद कराया, अब कैसे आता है पूरा प्रूफ भी आएगा, मेथड्स करने वाले हम लोग। 7.1 एक्सरसाइज निकालिए भाई, देखो जिसको वो वाले क्वेश्चन ना आ रहे हो तो 7.1 से शुरू कर दे, अभी कोई टाइम नहीं हुआ है, अभी 2-3 घंटे में आप सब बराबर हो जाएंगे। 7.1 निकालिए सभी लोग, फार्मूला तो अभी आता रहेगा, छोड़ दो। हाँ भाई 7.1 किताब निकालिए, निकालो भाई, पार्ट वन लाओ। ओहो क्या बात है, चलो भाई 7.1 के कुछ क्वेश्चन, फर्स्ट 5 क्वेश्चन सबसे पहले करिए, सभी लोग करो भाई। देखो ऐसा है ना, बेटर यह है कि रिवाइज करते रहो। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट 5 में वर्बल बताना है, सिर्फ आंसर लिखना है। इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। सुनो लिखो क्वेश्चन के आंसर भाई, मोहन लिखो, फर्स्ट एक्सरसाइज करो पहले, फर्स्ट क्वेश्चन बता चुका हूं बेटा, ट्राई करिए। इशिता बुक निकालो, तो चलो शेयर करो, फर्स्ट एक्सरसाइज से सभी लोग करो भाई, रिवाइज हो जाएगा, सब लोग करो फर्स्ट एक्सरसाइज, मैं हूं तुम्हें करो फर्स्ट एक्सरसाइज। नहीं नहीं ऐसे कहते नहीं, तब भी करो, इसको प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट 5 क्वेश्चन में बोला गया है डायरेक्ट आंसर लिखो, फोर अलग है, प्लस ही लिखना है, बट वो अभी बुक वालों ने छोड़ा था, आपको लिखना है। हाँ कौन सा, अलग अलग करेंगे, हाँ बोलिए, यस क्या, हाँ बिल्कुल है, क्वेश्चन बताना फिर। साइन 2x माइनस 4 ई की पावर 3x का इंटीग्रल बताना है तो क्या करोगे, सुनो इसका एक पल लिखने का भी तरीका बता देता हूँ, इधर देखना पर। आप इंटीग्रेशन को स्टार्ट करोगे तो लेट दिस इंटीग्रल इक्वल टू आई, आई से लिख लिया करो, और आई इज इक्वल टू अलग अलग हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 4 e की पावर 3x dx, ये दूसरा स्टेप, इंटीग्रल ऑफ दिस माइनस इंटीग्रल ऑफ दिस, फिर इंटीग्रल ऑफ साइन 2x पता है माइनस cos 2x / 2 माइनस 4 कांस्टेंट है, और e की पावर 3x का इंटीग्रेशन पता है प्लस कांस्टेंट, लास्ट में प्लस कांस्टेंट, ठीक है ना। अच्छा भाई अब एक काम करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 7th में आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 बताया था, फिर पूछा था
सेवन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर फाइव है, फिफ्थ क्वेश्चन बताया है। ठीक है भाई हेमंत, कर रहे हो गुड भाई, इसमें कनेक्टेड रहना सभी लोग, बीच में छोड़ मत देना। म्यूट हो रहे हैं क्वेश्चन, नहीं 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 एक्स प्लस बी तो की पावर होता तब लगता ना, जब ये क्या है, नहीं नहीं कितना है, कितना क्वेश्चन बताना, फोर हाँ प्लस वन, ये तो बेटा ये एक्सपोनेंशियल है ना, ये थोड़ा ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ फोर ई की पावर थ्री एक्स डी एक्स प्लस वन डी एक्स, और फोर तो कांस्टेंट है, ई की पावर थ्री एक्स का इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन कितना होता है, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स क्या होता है, फाइनली ई की पावर थ्री एक्स अपॉन थ्री प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ये बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन पूछ सकते, तुम लोग अपना करो, जो डाउट हो वो मुझे बताओ, अभी तो आपको फिफ्थ तक करना था, उसके बाद सेवन करना था। देखो इधर देखो भी, इंटीग्रल ऑफ दिस माइनस दिस, जैसे डिफरेंशिएशन में भी होता था, इंटीग्रल ऑफ डिफरेंस डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ फंक्शंस, तो होता था सम ऑफ देयर डेरिवेटिव्स या डिफरेंस ऑफ देयर डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन में भी क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस का इंटीग्रल, तो दैट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर इंटीग्रल्स, मतलब इंटीग्रल ऑफ दिस माइनस इंटीग्रल ऑफ दिस, ये हो गया। अब साइन 2s का इंटीग्रल पता है, cos 2s / 2 माइनस 4 इनटू दिस है, कांस्टेंट को इंटीग्रल के आउटसाइड लिखेंगे, और e की पावर 3x का इंटीग्रल e की पावर 3x / 3, डन है ना। चलो सेवंथ क्वेश्चन में पहले ब्रैकेट को सिंपलीफाई करो, ब्रैकेट खोलो, प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट नहीं, अभी प्रोडक्ट रूल आया नहीं, आएगा है। अब भाई आओ क्वेश्चन नंबर सेवन, इंटीग्रल ऑफ क्या कहा गया, सुनो बच्चों, एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, देखो भाई इसमें क्या किया गया है, आपको आपसे पूछा गया है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट सिंप्लीफाई करो तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वन डी एक्स, विमान ओके बेटा, ये ब्रैकेट खोल, हाँ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। सेवन क्वेश्चन नंबर एट करेंगे, एट एट क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी आर द कॉन्स्टेंट, वैसे क्वेश्चन दिया रहेगा, इंटीग्रल ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अलग अलग करना है, ये क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रल ऑफ ए एक्स स्क्वायर डी एक्स बी एक्स प्लस बी एक्स का इंटीग्रल फिर सी का इंटीग्रल, सी ए बी सी आर द कॉन्स्टेंट, यहां पर मैं कॉन्स्टेंट कुछ अलग लूंगा, ए कॉन्स्टेंट है उसको आप इंटीग्रल के आउटसाइड लिखेंगे, बी भी कॉन्स्टेंट है, सी भी कॉन्स्टेंट है, ओके मेरे का ब्रैकेट सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस, फिर तो अलग अलग इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वन डी एक्स, अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर तो आपको आता है। अच्छा सुनो भाई, एबीसी कॉन्स्टेंट से इंटीग्रल के आउटसाइड लिखा, अब बात आती है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, पता है गुड, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी इंटीग्रल ऑफ डी एक्स,
थोड़ा सा कॉन्स्टेंट या कुछ अलग ले लो, लैम्डा के कुछ भी लेना चाहो, कोई भी नया कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट होना है, उसकी जगह में के लिख दो, लैम्डा लिख दो, पी लिख दो, जो के लिख दो, प्लस के, वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, डन है। अच्छा अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर, आप टेंथ सॉल्व ट्राई करो, टेंथ क्वेश्चन। ये देखो ए कांस्टेंट था आउटसाइड द इंटीग्रल लिख दिया, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर बचा, बी कांस्टेंट है उसको आउटसाइड इंटीग्रल लिखा, इंटीग्रल ऑफ एक्स आ गया, सी कांस्टेंट है आउटसाइड इंटीग्रल लिखा, इंटीग्रल ऑफ एक्स। अब आपको ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, इंटीग्रल ऑफ dx x होता है, इंटीग्रल ऑफ x में फार्मूला x स्क्वायर बाई टू, x की स्क्वायर में x क्यूब बाई थ्री, डन। अब टेंथ का बस यही छोड़ दे, यही दैट इज द आंसर। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करिए, हाँ इसको सिंपलीफाई करने के बाद ही आप इंटीग्रेट कर पाओगे। टेंथ क्वेश्चन में a माइनस बी का होल स्क्वायर करें, हाँ नहीं ये लीनियर नहीं है ना कि आप फार्मूला यूज कर पाओ इसको, नहीं नहीं बेटा वो तो तब होता है जब लीनियर की पावर, लीनियर का मतलब ए एक्स प्लस बी बस, ए टू एक्स प्लस थ्री, थ्री एक्स प्लस सेवन, ये लीनियर है। लीनियर के अलावा अगर और कोई फंक्शन है तो आप वो फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, आप सिंप्लीफाई करेंगे पहले। क्या हुआ अंश, हो गए नहीं हो रहा, नहीं वन अपॉन वन प्लस कॉट एक्स कर रहे हो, हाँ उसको करो करो करो, अच्छा क्वेश्चन। टेंथ, टेंथ क्या था बच्चों, इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स माइनस, ठीक है ठीक है। अब देखो आई से डिनोट किया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, वन बाय रूट एक्स का स्क्वायर वन बाय एक्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, उसको थोड़ा अपना आएगा वो अलग अलग तो करना ही पड़ेगा, तो यही आ जाएगा बाद में बेटा, तो यही आएगा फिर हमें अलग अलग यही आएगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ टू डी एक्स, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट देखो। ओके अब क्या दिक्कत है, एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग वन अपॉन एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स माइनस टू बाहर आएगा, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स एक्स हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट, विवान अगर तुम सारा नोट कर लोगे तो तुम वीडियो कब देखोगे, नहीं मतलब मैं अभी अपलोड करूंगा ना, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हाँ वो यार कल से करूंगा, लाइव में ज्यादा थे पता नहीं ऐसा, वो व्यूज का तो अभी है नहीं यार, वॉच कहीं का। अच्छा ट्वेल्थ क्वेश्चन में है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स, देखो एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स और क्या था भाई, बोलो भाई अपॉन, हाँ तो देखो यहाँ कोई कोशेंट रूल नहीं है, सिंपलीफाई करना पड़ेगा, सिंपलीफाई करते हैं इसको, आई से डिनोट कर दिया, ये हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन रूट एक्स प्लस थ्री एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस फोर अपॉन रूट एक्स, ये वाला इसका समझ में आ गया क्या, रूट एक्स का मतलब हो गया एक्स की पावर हाफ, एक साथ करूं x की पावर हाफ है, अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो x की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, यहां भी वही काम करो 3x into x की पावर माइनस हाफ प्लस 4 into x की पावर माइनस हाफ, भाई दे सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस हाफ कितना आएगा भाई 5 बाई 2 और प्लस बेस, अगर ये रूल होता है ना ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, ए की पावर एम प्लस एन हो जाता है,
कर सकते थे। अब मैं तो इनको बता रहा हूँ, अब यहाँ क्या आएगा, थ्री एक्स की पावर क्या आएगा प्लस फोर एक्स की पावर माइनस हाफ। यहाँ तक का सिंप्लीफिकेशन तो हमें आगे आ गया, आ गया। अच्छा अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दूं क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर फाइव बाई टू डी एक्स प्लस थ्री। अच्छा भाई इसके बाद देखो अलग अलग इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब x की पावर n का फॉर्मूला यूज करो, x की पावर 5 by 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 5 by 2 plus 1 upon 5 by 2 plus 1 plus 3 x की पावर half plus 1 upon half plus 1 4 x की पावर minus half plus 1 upon minus half plus 1 plus constant। अब भाई सिंप्लीफिकेशन तो आता है, 5 by 2 plus 1 तो कर लोगे 7 by 2 आ जाएगा। नहीं दिक्कत है, अभी वो हमारे बच्चों को मैंने लिखा माइनस हाफ प्लस वन, कह रहे थे ये कैसे करेंगे, तो मैं इनके बच्चों को बहुत दिक्कत है, वो बहुत दिक्कत है उसमें एपी में माइनस, अभी आया माइनस 1.25 माइनस 0.25 कह रहे थे अब हम क्या करें। अब मैं ये सब कराऊंगा तो फिर मैं टेंथ का सब कराऊंगा। मैंने कहा एक एक क्लास शुरू कर दिया जिसके प्रॉब्लम कैलकुलेशन का है, उसको कैलकुलेशन की 50,000 फीस दी जाएगी, कैलकुलेशन पाया जाएगा। अब क्या किया जाएगा, उसकी फीस ज्यादा होगी भाई, टेंथ वाले को कैलकुलेशन सिखाना है, टेंथ वाले को कैलकुलेशन सिखाना थोड़ा आसान नहीं है, छोटे को तो सिखा देते हैं बच्चों को। अच्छा भाई सुनो, इस तरह के अब क्वेश्चन जितने भी हैं आपके वो हो जाएंगे। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे क्वेश्चन नंबर 16, ये तो हो गया बेटा x की पावर 7 बाई 2 अपॉन 7 बाई 2, फाइनल आंसर तो लिख लोगे ना, इसमें क्या दिक्कत, x की पावर 7 बाई 2 अपॉन 7 बाई 2 की 2 बाई 7 हो जाएगा, कर लो कर लो। इशिता त्रिपाठी ये करती जा रही है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। हाँ तो अभी मैंने बोला था ना दस बार करो, बेटा जब इंटीग्रेशन का साइन हट गया तो आंसर आ गया, जब इंटीग्रेशन का साइन हट चुका तो आंसर आ गया। वो अभी एक एक लाइन बोल दी उसने, तीन बार करा चुके हो, हटा दूं भाई। ओके अब सुनो बच्चों, अब आपको मैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन बताने वाला हूं, अभी मीनिंग बताइए डेफिनेशन बताइए, अब हम लोग करने वाले हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, तीन मेथड ध्यान से सुनना भैया, देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, तीन ही मेथड पढ़ना है, उन्हीं पर बेस आपका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन इंटीग्रल होगा। तो हेडिंग डालो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, पहला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बातें बंद करो बच्चों इधर देखो, आप वही बात बिल्कुल नहीं करना। सेकंड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अभी बता पढ़ना तो तीनों पड़ेगा ना विमान। तीसरा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तीन मेथड्स है भाई, पहला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड थर्ड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। जो दो मेथड है लास्ट के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, उसके तो स्टेप्स पता है भाई विवान, बेटा अभी ये समझने वाला पार्ट है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस में
जो लास्ट के दो मेथड्स हैं उसमें तो आपको स्टेप्स बता दिए जाएंगे और वो स्टेप यूज करोगे हो जाएगा। जो पहला वाला पार्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये भाई आपको जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि तुम्हें खुद सोचना होता है कि कौन से क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट करना है, चेंज करना है, रिप्लेस करना है, और वो आता है जब प्रैक्टिस के साथ है। अभी आपको कुछ पॉइंट मैं बताऊंगा, मतलब मैं अभी 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उन 10 क्वेश्चन में आपको देखना है कि क्या किया जा रहा है, उसके बाद 10 तुम करोगे। मैं अभी करने वाला हूं तो ध्यान से समझना, सब्स्टिट्यूशन वाला। हाँ नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले समझना है, जब आपको तीनों मेथड्स आ जाएंगे तो मैं मिक्स क्वेश्चन दूंगा, वो आइडेंटिफाई हो जाता है कौन सा मेथड लगेगा। तो आपको जो पहला वाला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्वेश्चंस के थ्रू मैं बताता रहूंगा कि क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, और क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो डिपेंड करता है सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, वो आ जाता है धीरे धीरे आएगा। लिखो भाई इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब 7.2 एक्सरसाइज, 7.2 एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन दिस मेथड, तो 7.2 के कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा हूं। अब ध्यान से देखना भाई सभी लोग, दृष्टि रिश्ता त्रिपाठी, सब्स्टिट्यूशन मेथड पर ध्यान देना। जैसे क्वेश्चन है log x का होल स्क्वायर अपॉन x, ये सेकंड क्वेश्चन है बुक का, ध्यान देना इधर दृष्टि, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड पे इतनी जल्दी कमांड नहीं होता है, ज्यादातर प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन की आती है। अब हमारा काम ये होगा ऐसे, अब ये तो कुछ गाइडलाइंस है जिनको ध्यान में रख सकते हो, ऐसे फंक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं बाय अ वेरिएबल जिसका डेरिवेटिव इनटू डी एक्स, क्वेश्चन में दिख रहा हो डेरिवेटिव, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1 by x into dx है ना क्वेश्चन में, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव क्वेश्चन में दिया होगा उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आपने आइडेंटिफाई किया होगा कि log x का डेरिवेटिव होता है 1 by x, 1 by x into dx क्वेश्चन में दिख रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूं यहां पर, पुट log x as t, log x को आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है, log x को मैंने लिया t। अब इसके बाद का ध्यान देना स्टेप क्या होता है, कुछ नहीं दिया रहेगा आपको, सिर्फ इंटीग्रल दिया रहेगा बस, जैसे 1 by x का log x है होता है वो, हां वो तो इंटीग्रल दिया नहीं रहेगा, log in दिया होगा, नहीं नहीं कुछ नहीं दिया रहेगा बेटा, आपको सब कुछ खुद सोचना। अभी अभी 10 क्वेश्चन तो देखना है आपको, आप हमने क्या किया बेटा इस क्वेश्चन में log x को t ले लिया, इसके बाद का स्टेप होता है, मतलब आप क्या कर रहे हो पूरे फंक्शन को t वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे ही आप सब्स्टिट्यूशन कर दे तो नए वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो न्यू वेरिएबल आएगा t में फंक्शन बदल जाएगा, तो फंक्शन ऑफ t को आप t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हो। तो यहाँ dx को भी हटाना पड़ता है, dx नहीं रहना चाहिए, dt आना चाहिए। तो क्या किया जाता है, जो भी आपने सब्स्टिट्यूशन किया है इसकी बोथ साइड्स को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू, ये डिफरेंशिएट करो जो सब्स्टिट्यूशन किया है दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1 by x is equal to आएगा dt by dx, फिर हम लोग इसको लिखते हैं 1 by x into dx equal to dt। तो बच्चों ध्यान देंगे, अगर आप log x को t लेते हो तो 1 upon x into dx की जगह में dt लिख सकते हो, 1 upon x into dx की पूरे की वैल्यू आ गई हमारी, 1 upon x into dx क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, तो ये इंटीग्रल हमारा रिलीज हो जाएगा, इंटीग्रल log x की जगह में क्या लिखा है हमने t, तो ये हो गया t स्क्वायर, फिर dx by x कितना हो गया है dx by dx हो गया, dx by x हो गया dt, तो बच्चों फाइनली ये रिड्यूस हो गया t स्क्वायर dt, जिसका इंटीग्रल आपको पता है t स्क्वायर dt का इंटीग्रल क्या होता है t cube by 3 प्लस a कांस्टेंट, बाद में t की जगह में ओरिजिनल t क्या था, हमने t तो log x लिया था, तो t की जगह में log x लिख लेंगे, तो फाइनल इंटीग्रल आया log x का क्यूब बाय 3 प्लस a कांस्टेंट। अभी आपको बच्चों नोट नहीं करना है, नोट नहीं करना, सिर्फ इसको देख लो, अभी मैंने कहा था 10 क्वेश्चन सुनना है कि मैं आपको ये सारी स्लाइड दिखा दूं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। ऐसे जैसे मान लीजिए मैंने कहा इंटीग्रल ऑफ ई की पावर टैन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ऐसी क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में दिख रहा होगा। टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट टैन इनवर्स एक्स एज टी, टैन इनवर्स एक्स को हमने टी लेना। इसके बाद मैंने बताया जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा उसके बोथ साइड्स को डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, टैन इनवर्स एक्स का क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी ओ डी एक्स ऑफ टी। बाद में ये स्टेप भी नहीं लिखते हैं, dx को सीधे यहां लिख देते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू आ जाएगा dt। तो बच्चों ये जो भी चेंजेस है ना वो अब हम क्वेश्चन में करेंगे। अगर मैं tan inverse x की जगह में t रख देता हूं तो dx अपॉन दिस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, एक साथ रिजल्ट मिल गया हमें, dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर आ गया dt। अब ये ऐसे फॉर्मेट में बदल गया होगा जिसका इंटीग्रल पता है, e की पावर t, e की पावर t का इंटीग्रल होता है e की पावर t प्लस आप कॉन्स्टेंट, बाद में टी की जगह में आपको ओरिजिनल वेरिएबल टी की को लिया था मैं टैन इनवर्स, तो आंसर आ गया ई की पावर टैन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब एक आप देखेंगे सिचुएशन, बहुत बार ऐसा होगा कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स मिलेगा आपको। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में, इसका डेरिवेटिव ये। अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो ऑलवेज आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसको टी लेना है, एफ ऑफ एक्स को टी ले। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन मिला एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, तो हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को टी ले। अब दूर मतलब अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मैं कह रहा हूं क्या करोगे आप, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव दिख रहा है ना, इसका डेरिवेटिव दिख रहा है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स को टी लिया और उसके बाद क्या करो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, dODX of f of x is equal to dODX of t। अब भाई f of x का डेरिवेटिव क्या होता है, इसको हम क्या लिखते हैं, f dash x, तो f dash x dx is equal to क्या हो गया dt, f dash x dx कितना हो गया dt। तो बच्चों अगर मैं इस क्वेश्चन में f of x की जगह मैं t लेता हूं तो f dash x dx कितना हो गया dt हो गया, dt upon t हो गया, 1 upon t का इंटीग्रल तो पता है 1 upon t dt आ गया, 1 upon t का इंटीग्रल क्या होता है log t होता है, ये आ गया log, मॉडल लिखते हैं हमेशा प्लस कांस्टेंट, t कितना था t का हमारा f of x का। तो बच्चों कभी भी अगर ऐसा इंटीग्रल दिखे f dash x upon f of x दिखे तो उसका इंटीग्रल आता क्या है, log f of x आता है, log f of x आया। अब सुनो बच्चों, जैसे मान लो आपसे कहा जाए cot x का इंटीग्रल बताओ, sin x का तो पता है, sin x का इंटीग्रल क्या होता है माइनस cos x। अब आपकी लिस्ट बनेगी, sin x का इंटीग्रल पता है, cos x का भी इंटीग्रल पता है बाय डेफिनेशन, tan x का नहीं पता, इंटीग्रल ऑफ tan x नहीं पता, इंटीग्रल ऑफ cot x भी नहीं पता, हमें सारे इंटीग्रल्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पहले पता था। तो मैं एक ये बताऊं cot x की बात कर रहा हूं, अगर मुझे इंटीग्रल ऑफ cot x चाहिए क्या लिख सकते हैं बताओ बच्चों, cot x फॉर्म cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं, अभी जो टाइप बताया था वही टाइप है, न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो डिनोमिनेटर के फंक्शन का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव क्या, ये जो फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव ऊपर है, मैंने क्या अभी बताया था, अगर हाँ अगर कभी f dash x upon f of x हो, मतलब डिनोमिनेटर में जो फंक्शन उसका न्यूमरेटर में डेरिवेटिव हो, तो हम क्या करते हैं put sin x is equal to t, फिर डिफरेंशिएट करो, अब डायरेक्ट करेंगे भाई डिफरेंशिएट, cos x dx is equal to t, अगर हमने sin x की जगह में t लिया है तो cos x dx कितना आ गया dt आ गया, dt by t हो गया, 1 upon t का इंटीग्रल log t होता है, तो फाइनली आंसर क्या आ गया log t कितना था भाई sin x। अब आप इसको ऐसा फार्मूला लिख देंगे, इंटीग्रल ऑफ cot x क्या आया है log sin x, ये आपको याद रखना है, इंटीग्रल ऑफ cot x कितना होता है भाई log sin x, याद करना है सारे जैसे सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है ना हमारे, sin x cos x tan x cot x, ये नोट करिए,
तुम लोगों से हो गए बच्चों ये वाला अभी एक्सरसाइज 7.2 जो मैं दे रहा हूँ। चलो तुम लोग क्वेश्चन 7.2 पे ही दे देता हूँ। डीटी बाई टी को क्या लिख दिया था, ये क्यों लिख दिया था, 1/t का इंटीग्रल log t होता है, नहीं वो मुझे 1/t के, अरे ये 1/t ही था, 1/t इंटू डीटी था, 1/t का इंटीग्रल होता है। सुनो 7.2 तुम लोग भाई जिसको आते हैं उनके लिए क्वेश्चन नंबर 32 करो, 34 करो, तुम लोग नहीं करोगे इनके लिए, 37 करो और 36 करो। मतलब ये जो 32 से लेकर के 37 तक के क्वेश्चंस हैं, जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है वो इनको सॉल्व करे। हम लोग अभी आते हैं 32 से लेकर 37 तक। पढ़ लो क्योंकि अगर मान लो कुछ मिसिंग होगा याद आ जाएगा क्वेश्चन, तो अभी ये सब बराबर हो जाएंगे, अभी 2 दिन में सब इक्वल है। दृष्टि कुछ करो, मैं मेंटल टॉर्चर करूं। क्वेश्चन करना कहाँ सर करना, तुमको आता है 7.2? बुक है तुम्हारे पास? एक तो ये बुक नहीं खरीदेगी। चलो आगे बढ़े भाई। ये हमारे डील आ रही है, ऐसा नहीं है, अश्मित ये लोग हल्के में ले लेते हैं बच्चे, इनको सबको उड़ा देना भी, तो 2-4 क्लासेस के बाद बस पीछे हैं ये लोग, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं ना, पीछे हो जाते हैं। ओके नेक्स्ट, अब बच्चों सुनो, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टॉट एक्स हो गया, अब बात करेंगे इंटीग्रल ऑफ टैन एक्स की। भाई टैन एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब सुनो बच्चों, है वैसी सिचुएशन, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, माइनस का डिफरेंस है, माइनस से कोई दिक्कत नहीं आती है, आप सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो, cos x को आप t ले ले, पुट cos x as t। अगर आपने cos x को t लिया, सब्स्टिट्यूशन जैसे ही करते हैं ध्यान देना, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया करो, क्या आएगा डेरिवेटिव, माइनस sin x dx माइनस डी टी आ गया, माइनस डी टी अपॉन cos x को t लिया हुआ है, 1/t आ गया, 1/t का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग होता है, लॉग माइनस लॉग t आ गया। एक बात ध्यान रखना भाई, माइनस लॉग एक्स, सुन लो इधर पर, माइनस लॉग एक्स लॉग 1/x होता है, लिख लो कहीं पर, समझ सकते हो, लॉग 1/x का मतलब लॉग ए अपॉन बी होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, और लॉग वन जीरो होता है, लॉग वन जीरो होता है, अब वो भी कर सकते हो, माइनस लॉग एक्स को आप लॉग 1/x लिखो, समझा देंगे, माइनस लॉग टी को मैं लिखूंगा लॉग 1/t। अब हमारा टी कितना था, टी तो था कॉस एक्स,
तो आ गया भाई log secant x, याद रखना इंटीग्रल ऑफ tan x कितना आ गया log secant x. नाउ यू शुड रिमेम्बर दिस एज अ फॉर्मूला. साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टैन का हो गया, कॉट का हो गया, दो और बचे हैं, ठीक है. साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स सब हो गए. लॉग एक्स का इंटीग्रल क्या है, सॉरी टैन एक्स का इंटीग्रल क्या है, लॉग सेक एक्स, याद रखना है, याद है, ये तो कर लोगे बच्चों, फाइनल रिजल्ट लिख लो बस. अभी मैं स्लाइड दिखा दूंगा, दिक्कत है. हाँ बोलो बोलो क्या बोल रहे. आ रहा बेटा, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ. हुआ नहीं हुआ, ये भी नहीं, इससे भी नहीं हुआ, वन प्लस वन इसको डांटो यार, वन अपॉन वन प्लस कॉटेक्ट नहीं कर पाया. सुनो कॉट का इंटीग्रल लॉग साइन, लॉग साइन एक्स था ना. अब सुनो भाई, नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट करने वाले हैं, ध्यान देना भाई, secant x का इंटीग्रेशन. अब तुम लोग ध्यान दो, sec x का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है, log sec x tan x, क्या log sec x tan x, नहीं या sec x tan x, हां कैसे होता है प्रूव कर सकते हो, करो secant x का इंटीग्रल करके दिखाओ, sec x का इंटीग्रल करके दिखाओ, sec x का इंटीग्रल करके दिखाओ. देखो भाई तुम लोगों को तो मैं बता देता हूँ जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक स्टेप आपको ध्यान रखना पड़ता है. इन्होंने नहीं ध्यान रखा होगा, जिससे नहीं होगा, क्या करना पड़ता है भाई, कौन सा स्टेप ध्यान रखना पड़ता है. हाँ अभी याद नहीं है, देखो इनको क्या क्या याद रखना पड़ता है, देखो नहीं sec x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हाँ ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अपने फॉर्मेट में बदल जाएगा अगर आप secant x plus tan x से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो, secant x plus tan x से अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हो. ध्यान देना बच्चों, जितने भी सोचा होगा क्या अच्छी अच्छी बात सोची, अगर कर देते हो तो वो तो भाई देखो दिमागदार लोग उन्होंने किया है काम, और वो तुम लोग भी सोचने लगोगे, अभी तो खैर बहुत काफी लेवल शुरू ही हुआ है. अगर आप sec x plus tan x से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या होगा, ऊपर देखो भाई sec square x plus sec x tan x upon sec x plus tan x. ये बच्चों जो सिचुएशन आप लोगों ने पढ़ी है ना, f dash x upon f of, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट करो, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, tan x का डेरिवेटिव sec square x. तो अब आगे जो स्टोरी पता है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं. अगर मान लो कभी भी f dash x upon f of x इंटीग्रल आएगा तो अब मैं इसको डायरेक्ट log f of x लिख दिया करूंगा, क्योंकि हम लोगों ने इसका स्टेप पढ़ रखा है. तो f dash x upon f of x आ गया है तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा log sec x plus tan x. तो अब बच्चों आपको secant x का इंटीग्रेशन मिल गया. सिमिलरली cosec x का इंटीग्रल करोगे आप, अब सब लोग लिखें, पहला इंटीग्रल ऑफ sin x, दृष्टि चार्ट बनाओ, इंटीग्रल ऑफ sin x होता है माइनस cos x, दूसरा इंटीग्रल ऑफ cos x होता है sin x, थर्ड इंटीग्रल ऑफ tan x log sec x होता है इंटीग्रल ऑफ cot x log sin x, और इंटीग्रल ऑफ sec x होता है log sec x plus tan x. और sixth one इंटीग्रल ऑफ cos x log cos x minus cot x, याद करना भाई, इसको अभी प्रूफ भी कर लेंगे बच्चों. ऑल सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल सबसे पहले आपको याद करना होता है, ऑल सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल सबसे पहले याद करना है. That?
पहले आपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं cosec x का लिखा है, cosec x का है log cosec x minus cot x, cosec x ही रह गया था, cosec x का इंटीग्रल है log cosec x minus cot x, ओके अब हम लोग क्या करने वाले हैं ध्यान से समझना। पहले तो ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक सिस्टम डेवलप करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सिस्टम का मतलब है पहले मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर दिए और इसके बाद मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर के इंटीग्रल्स बताऊंगा। ये आते भी हैं, क्यूब के करेंगे, पावर फोर तक करना है। इसके बाद हम इन्हीं को इनके कॉम्बिनेशन करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होते हैं आपके पूछे जा सकते हैं वो हो जाते हैं। तो अब हम लोग आ रहे हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, याद भी कर लेना है, और इसके बाद अब इन सबके स्क्वायर्स के इंटीग्रल्स, साइन स्क्वायर एक्स का, कॉस स्क्वायर एक्स का, टैन स्क्वायर एक्स का, कॉट स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का, कॉसेक स्क्वायर एक्स का, सुनो ये तो बेटा ये याद करना है, पहला वाला पार्ट तो याद करने का। अब हम लोग इंटीग्रल्स पता करेंगे जितने भी, ध्यान से समझना भाई, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बताऊंगा अभी कैसे करना है, इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रल ऑफ टैन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रल ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स और इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब बच्चों इनमें से दो के याद है आपको, डायरेक्ट डेफिनेशन, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, tan x, ये तो याद है, ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन से। और cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर, माइनस cosec स्क्वायर x का cot x आएगा तो cosec स्क्वायर x का आएगा माइनस cot x। ये दो तो बच्चों डेफिनेशन से पता है आपको, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉट एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का होता है टैन एक्स, ये डेफिनेशन से पता चल गया भाई क्योंकि डेरिवेटिव से हमने कनेक्ट कर लिया। और अब देखो सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल पता है तो भाई टैन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, एक आइडेंटिटी पड़ी वन पर टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, भाई ये आइडेंटिटी तो आप लोगों ने टेंथ में पढ़ी थी नहीं पड़ी, वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है तो सेक स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और अब अलग अलग, हाँ सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रल हो जाएगा माइनस वन इंटीग्रल, वन का इंटीग्रल ये पता है माइनस एक्स प्लस, तो मतलब आपको टैन स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रल मिल गया। सिमिलरली आप cot स्क्वायर एक्स का लिख सकते हो क्योंकि 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स होता है cosec स्क्वायर एक्स, तो cot स्क्वायर एक्स हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब अलग अलग करोगे इसका भी आ जाएगा क्या आ जाएगा माइनस cot x माइनस 1। तो भाई बच्चों चार के इंटीग्रल्स मिल गए, sec स्क्वायर एक्स भी मिल गया, cosec स्क्वायर एक्स का मिल गया, tan स्क्वायर एक्स का मिल गया, cot स्क्वायर, ये चारों लिख सकते हैं। अब बचते हैं दो, sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स बचते हैं, एक का इंटीग्रल मैं लिखने वाला हूं दूसरे का इंटीग्रल आप लिखेंगे। sin स्क्वायर एक्स की बात करते हैं बच्चों, एक फार्मूला मतलब आपको sin 2x का पता है, sin 2x का, cos 2x का, sin 3x का, मतलब x की जगह में कोई मल्टीपल एंगल है 2x है या लीनियर है तो आपको आता है। यहां पर बच्चों एक फार्मूला मैंने कहा था 1 plus cos 2x क्या होता है, याद कराया था 1 plus cos 2x कितना होता है 2 cos square होता है, 1 plus cos 2 थीटा तो कई बार कराया ना अभी डिफरेंशिएशन में भी बताया, यहां से हम cos square x को लिख सकते हैं 1 plus cos 2x by 2। एक याद करो 1 plus cos 2 theta याद करो 2 cos square x
तो cos स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, 1 plus cos 2x by 2। और अब देखो अगर मैं cos स्क्वायर x को 1 plus cos 2x by 2 लिख देता हूं, स्क्वायर हट गया, स्क्वायर तो गया, अब ये लीनियर आ गया है, ये 2 को बाहर लिख सकते हो आप, 1 by 2 इंटीग्रल ऑफ 1 plus cos 2x dx। अब क्या करोगे, अलग अलग इंटीग्रल ऑफ 1 by 2 इंटीग्रल ऑफ 1 plus 1 by 2 इंटीग्रल ऑफ cos 2x। भाई cos 2x का इंटीग्रल पता है क्या, वन बाई टू इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन बाई टू कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन, ये तो पहली एक्सरसाइज में पढ़ाया, साइन टू एक्स अपॉन प्लस कॉस, फाइनली क्या आ गया, वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई फोर साइन टू एक्स प्लस। अब भाई रुकना है थोड़ा, ध्यान से समझो, सुनो बच्चों, कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करना है, उसके लिए कॉस स्क्वायर को मतलब स्क्वायर को हटाने का तरीका हमारे पास है। ये फार्मूला बेसिक याद करो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर। यहां से मैं कॉस स्क्वायर x को, ये लीनियर है भाई, कॉस 2x मतलब लीनियर है, एंगल 2x है, ये वाला स्टेप आप नोट करो। सिमिलरली 1 माइनस कॉस 2x को ही बताएगा 2 sin square x, यहां से sin square x को क्या लिखा जा सकता है, और sin square x का भी इंटीग्रल आप कर सकते हो। पहले ये लिखो cos square x का, लिखो sin square x का, करो फाइनल वैल्यू ये cos square x, cos square x का इंटीग्रल, फाइनल आ जाएगा बस, सब कुछ वही है, या आप ये वाला पार्ट भी कर सकते हैं। कौन सा, किसी भी को कह रहा हूँ यहाँ पढ़ लो, तीन बार कराने पे होता क्या है, तुमने तो कहा था तीन बार पढ़ा चुके, तो क्यों नहीं आता, फिर से पढ़ लो एक बार चौथी बार। बच्चों साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डन, विमान 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 आगे देखो, तुम खुद दिमाग लगाओ, गुड गुड गुड, हाँ भाई बताओ आद्या, यहाँ तक ओके है, तुम लोगों ने कहा था हमें कुछ नोट नहीं किया है, वृंदा सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल तो पता है, देख लिया सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल पता है, टैन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का भी पता है, माइनस कॉट एक्स है, इसके बाद बचा क्या है, टैन स्क्वायर एक्स का बताया था मैंने, टैन स्क्वायर एक्स को लिख दो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, अलग अलग कर दो, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ वन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है टैन एक्स, तो भाई टैन स्क्वायर एक्स का हो गया, मतलब सारे फंक्शन के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर के इंटीग्रल मिल गए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर हो गए, अच्छा चलो सेम आ रहा था, साइन का बस माइनस आ रहा है, इसका कितना था, एक बताओ
साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करना है, सुनो साइन स्क्वायर एक्स को लिखो 1 माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, तो ये 2 तो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल से पहले लिख सकते हैं 1 डी एक्स माइनस 1 बाई टू कॉस टू एक्स। अब भाई 1 बाई टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स होता है x माइनस 1 बाई टू साइन कॉस टू एक्स का होता है साइन टू एक्स बाई टू। डन। अब भाई ऐसे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जिसमें ये लोग फंसे हुए हैं। नहीं ये लोग दूसरे क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ बताओ भाई क्या डाउट। देखो वन अपॉन वन प्लस कॉट टू एक्स कॉट एक्स कॉट एक्स, तुम लोग चौथी बार भी सुन लो भाई, 10 बार बताया जाएगा, 10 बार के बाद ही बताया जाएगा। वन अपॉन वन प्लस कॉट एक्स, ध्यान से सुनना अंश, मैंने कहा था बेटा इस क्वेश्चन में अगर एक स्टेप याद नहीं रखोगे तो हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो इंटीग्रेशन नहीं होने वाला। वो पॉइंट तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, मगर वो तुम लोग याद नहीं रखोगे, कुछ जिद ठान रखा कि नहीं याद कर सकते भाई। देखो तुम लोग ध्यान से एक बार सुन लो, तुम लोग पहली बार सुन रहे हो, ये लोग चौथी बार सुन रहे हो। कॉट एक्स को लिखो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इसके बाद अगर आप सिंपलीफाई करोगे एलसीएम ले करके फिर वो ऊपर पहुंच जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा। अब बच्चों आगे चल करके मैं आपको एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रल बताऊंगा, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स, ये वाला इंटीग्रल बताऊंगा। यहां पर अगर b जीरो हो जाए तो वही जो आपका इंटीग्रल है वही बच जाए। तो इस टाइप के इंटीग्रल में करते क्या, वो थीम बता देता हूं। अगर मान लो a sin x + b cos x / c sin x + d cos x होता है तो करते क्या है, वो हम लोग जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है वही क्वांटिटी न्यूमरेटर में लाने की कोशिश करते, एग्जैक्टली सेम। जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है मान लो, न्यूमरेटर में भी हम वो सेम क्वांटिटी लाना चाहते हैं। और या अगर ऐसा नहीं हो पाया तो जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव ऊपर बनाते हैं, दो हमारे कंसर्न होते हैं, मतलब दो टारगेट लेके चलते हैं। जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है या तो सेम क्वांटिटी ऊपर बनाओ या उस क्वांटिटी का डेरिवेटिव ऊपर बनाओ न्यूमरेटर में। तो ऐसा करने के लिए आप देख रहे हो कि भाई अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो मैं क्या करूं, कॉस एक्स प्लस कर देता हूं कॉस एक्स माइनस कर देता हूं, तो जो क्वांटिटी यही ऊपर बन जाएगी। तो अगर मैं ऐसा करता हूं कि न्यूमरेटर में मैं कॉस एक्स प्लस कर देता हूं तो फिर मुझे कॉस एक्स माइनस भी करना पड़ेगा, ऐसा तो कर नहीं सकते, प्लस करके छोड़ दो। सेम चीज आप प्लस करोगे तो सेम माइनस भी करना पड़ेगा, सेम चीज प्लस और सेम चीज माइनस करेंगे तो ये सेम क्वांटिटी बन गई, तो दिस अपॉन दिस वन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स अपॉन दिस। तो ये बच्चों पहला वाला पार्ट तो ओके हो जाएगा, cos x sin x plus cos x upon sin x plus cos x minus cos x upon sin x plus cos, ऐसा हो जाए। तो ये तो वन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हो गया। तो दूसरी वाली सेम समस्या आ गई, cos x upon sin x plus cos x सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम बन गया। तो इसको दोनों को सॉल्व कर, दोनों से निपटना है, अगर दोनों के लिए टारगेट ढूंढना है तो क्या करोगे आप, पहले साइन एक है हमारे पास, अगर दो साइन होता तो एक साइन इसके साथ आ जाता, एक इसके साथ आ जाता, तो हमारा दोनों पार्ट हमारे कंफर्म हो जाते, पहला वाला भी ओके हो जाता, दूसरे वाले में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिल जाता। तो यहां पर जो याद रखने वाली बात है कि न्यूमरेटर में टू साइन होना चाहिए, दो साइन होना चाहिए जबकि एक ही है आपके पास, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। टू साइन बनाना तो टू से डिवाइड कर दो, टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू साइन हो गए, टू साइन हो गए ना भाई, उसे डिवाइड और उसे मल्टीप्लाई करके कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं कॉन्स्टेंटली। तो अब जब दो साइन हो गए तो फिर आपको जो करना है वो कर दो, कॉस को प्लस करो और कॉस को माइनस करो तो क्या आएगा, वन बाई टू कॉस एक्स हमने प्लस किया और कॉस एक्स हमने माइनस किया, और दो साइन हमारे पास थे तो एक साइन मैंने एक के साथ रखा, कॉस एक्स प्लस किया कॉस एक्स माइनस किया, साइन तो दो थे तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
साइन एक्स इसके साथ रखा, एक साइन एक्स। ऐसा करने से इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये अलग अलग कर दो, दिस अपॉन दिस, तो आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, प्लस दूसरा वाला साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बच्चों अब जो हम लोग चाहते थे बनाना कि डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है वही ऊपर बनाओ न्यूमरेटर में, बन गई है, या दूसरा टारगेट दिया था अगर ऐसा हो जाए कि डिनोमिनेटर की क्वांटिटी का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो भी ठीक है, तो भी इंटीग्रल करना आता है हमें, ये दोनों हो गया एक साथ, ये दिस अपॉन दिस तो वन हो गया, तो यहाँ वन बाई टू वन डी एक्स हो गया, प्लस वन बाई टू दूसरे वाले में वन बाई टू मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो भाई इसका डेरिवेटिव ही तो है ऊपर, थोड़ा साइन का इधर उधर है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो आप चाहते हो बना लो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन, मतलब इसको टी ले लाता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ भाई, वन बाई टू एक्स माइनस वन बाई टू कर दो, माइनस कॉमन ले लो नहीं बोलते, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। भाई अभी ये करना तो पड़ेगा, स्टेप्स हैं हमें, इसको टी लेना है, मैंने कहा था एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स आएगा, तो मैं तो डायरेक्ट लिख दिया था, क्योंकि स्टेप तो पता है आपको, ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ इसका डेरिवेटिव ही हो, इसको टी लेना है, तो फाइनली सॉल्व कर लेना और आ जाएगा वन बाई टू एक्स माइनस वन बाई टू लॉग साइन एक्स प्लस प्लस अब भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जब कभी भी हम बच्चे को देते हैं तो वहीं जाकर रुक जाता है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के ऊपर के रुका रहता है, जबकि बताया जाता है ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखते ही नहीं, अब ध्यान रखो पांच चांस हमें बचे हैं, सिक्स चांस है अभी, सिक्स टाइम और छह बार और बताया जाएगा नवंबर तक, दस हाँ तुम्हारे पास अभी नाइन अटेम्प्ट है बेटा, नाइन अटेम्प्ट तक बताया जाएगा, दस मतलब टेन अटेम्प्ट तक बताना है, याद रख पाओगे भाई, ऐसा है इसको करना होता है, मार्क कर लेना चाहिए कॉप, जब आप रिवाइज करते हो तो ऐसे क्वेश्चंस को मार्क कर लो और उन्हीं को रिवाइज किया करो, क्योंकि ये भूलने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 33 मार्क कर लो भाई, 32 और 33 लो तुम अपनी किताब में मार्क कर, ये दोनों क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना था, एक्सरसाइज 7.2 चल रही है, अच्छा 32 और 33, 32 तो यही है, इसको लिख लो भाई, इसको नोट कर लो भाई, मेहुल नोट कर लो, नोट कर लो दृष्टि, अभी रुक जाओ बेटा, एक घंटे कंप्लीट कर, एक घंटे बाद है, अभी कितना टाइम हुआ है, 25 हुआ है, अभी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके ब्रेक दिया जाए, हाँ तुम तो आज तुम्हें जाना कहाँ है बेटा, तुमने फार्मूला याद नहीं किए, क्वेश्चन नहीं किए, मैं जितना कराऊंगा ना वो फिर चेक भी करूँ, अभी मैं पूछूंगा बेटा, 7.2 कंप्लीट कराऊंगा, 7.1 और 2 से सब पूछूंगा, तुम बता दोगे तो जाने दो, नहीं नहीं कल कभी नहीं आता, नेक्स्ट आज के लिए काम बहुत, अब भाई जब स्कूल में पढ़ाया जाए तो आगे आगे आंसर देना, ठीक है, फिर टीचर भी रिलीज होकर के एक दिन में करता है, सेम चीज करा जो डिनोमिनेटर में वही सेम क्वांटिटी है, अच्छा भाई सुनो, अभी मैंने इन लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए थे, अब सुनो, अब दो तीन अच्छे क्वेश्चन से एक्सरसाइज में, जैसे देखो एक है बच्चों इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब विवान, इधर देखो एक्स क्यूब साइन ऑफ टैन इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8, ये 37,
7.2 का क्वेश्चन नंबर 37 है ये, एक्स क्यूब साइन ऑफ टैन इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, सब्स्टिट्यूशन गेस करना है। यस, टैन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 को टी लेंगे, क्यों? उसका जो डेरिवेटिव है ना वो ये है, tan इनवर्स x टू द पावर 4 को पुट tan इनवर्स x टू द पावर 4 as t। जैसे ये सब्स्टिट्यूशन करोगे, जैसे लोगों ने बता दिया था क्योंकि इनको डिफरेंशिएशन गेस हो गया, जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूशन करोगे ना तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, करो डिफरेंशिएट। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर इनटू, इसका डेरिवेटिव भी तो करोगे, 4x³ dx = dt। जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूशन करते हो बच्चों, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हो, tan इनवर्स f ऑफ x का डेरिवेटिव बताया गया, 1 अपॉन 1 प्लस f ऑफ x का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x बताया गया ना। अब सुनो भाई, ये क्या है, फोर ले जाएंगे उधर, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, dx की वैल्यू आ गई 1/4 dt। हमें जो क्वेश्चन में दिया उसकी वैल्यू निकालनी होती है, मैंने इसको t ले लिया, और आप देखो इस पूरे की जगह में, इस पूरे की जगह में x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू dx की जगह में क्या लिख सकते हैं, 1/4 dt। तो फाइनली आ जाएगा ये साइन तो रहेगा, इसको t ले लिया है आपने, और ये पूरा मल्टीप्लाइड टू दिस 1/4 dt हो गया। 1/4 कांस्टेंट है, साइन टी का इंटीग्रेशन आपको पता है, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन क्या करता है, ये उस पूरे इंटीग्रल को ऐसे फॉर्मेट में बदल देता है जिसका इंटीग्रल आपको पता है, साइन टी का इंटीग्रल आपको पता है, ये आ गया माइनस कॉस टी, तो आएगा माइनस 1/4 कॉस टी की जगह में रखना पड़ेगा बाद में टैन इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस कॉन्स्टेंट। थोड़ा सा नोट कर लो, सब्स्टिट्यूशन नोट कर लो, बस आगे बढ़ेंगे। नहीं लिया करो भाई, नहीं। नेक्स्ट सुनो सुनो, अब बताओ, अभी एक क्वेश्चन और बता दे। अच्छा देख, क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 36, अब हम 36 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 इसी तरह समझ में आया, इसी तरह दिखाती बेटा, ऐसा है ये वाला स्टेप क्लियर, ये 4 को उधर ले गया, ठीक है ना, तुम क्यों डांस कर रहे हो, आया क्या घर से लाए, आया कैसे कह रही है, अरे भाई डिफरेंशिएट किया दृष्टि, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया बेटा, टैन इनवर्स का डेरिवेटिव याद करना है, tan inverse f of x का डेरिवेटिव होता है 1 upon 1 plus f of x का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ f, ये ऐसे आया, ठीक है। अब हम मैथ पे गलत, ये बढ़िया स्टेटमेंट था, कॉन्फिडेंस हाइट ऑफ द कॉन्फिडेंस कि हमने तो किया है सही किया है, पीछे आंसर गलत दिया, चलो देखते हैं पीछे आंसर गलत है कि हमारा गलत है। एक्स प्लस 1 36 log, x प्लस log 8 का होल स्क्वायर अपॉन x। देखो भाई देखो, मैं वो समझ लो यार, इसका मत करो, बस तुम पढ़ लो, अभी पढ़ लो। देखो भाई इसमें इसका किया क्या था आपने, एक्स प्लस लॉग एक्स को बिल्कुल ठीक किया था,
क्यों? अच्छा अगर आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते तो और केस हो जाता, ये x प्लस वन अपॉन x को एक साथ लिखो, लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, एक साथ तो, अगर एक साथ आप कर देते ना तो आपको पता चल जाता है इसकी चीज को क्यों लिया था, क्योंकि ये लिख सकते x अपॉन x वन प्लस वन अपॉन x, और आप देख सकते हो इसका डेरिवेटिव है ये, इसका डेरिवेटिव है ये, मैंने आपको बताया ना जिस फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू dx फंक्शन में दिख रहा होगा ना उसको t लेते हैं, किसको t लेंगे, x plus log x को t लेंगे, ये अगर किसी को समझ में आ गया कि सब्स्टिट्यूशन किसको करना है तो इंटीग्रेशन समझ लो 50% डन है, सब्स्टिट्यूशन इज द मेन, x plus log x को t ले लिया, जैसे ये सब्स्टिट्यूशन करोगे दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 1 प्लस 1 by x is equal to dt by dx आएगा, मैं डायरेक्ट dx is equal to dt, अब भाई देखो अगर आपने इसको t लिया है तो इस पूरे की जगह में dt लिख दूंगा, x 1 plus 1 upon x into dx तो हमारा equal to dt है, तो हो क्या जाएगा, इंटीग्रल आ जाएगा, ये t है, t star dt आ जाएगा, t star dt आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, t cube by 3 plus constant, बाद में आप t की वैल्यू रख दो, क्या है t की वैल्यू, x plus log x, तो इस तक क्या आंसर दिया है बुक में, आंसर क्या गलत दिया, नहीं तुम्हारा तो यही है, बुक में क्या दिया, मतलब ओके अब सुनो भाई, अभी थोड़ा सा 15 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, ये 7.2 डन है, बट आपके पास काम बहुत है, आज काम बहुत मिलेगा, 3 एक्सरसाइज होंगी आज, एक दो हो गई, एक और होगी।